ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आंध्र प्रदेश PSC अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में। दोस्तों आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें आंध्र प्रदेश PSC VRO VRA रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में लेटेस्ट अपडेट दे दिए, जिसके लिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब तक ये भर्ती रिलीज हो जाएगी और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि अभी तक ऑफिशियली ये भर्ती जारी नहीं की गई है, इसलिए मैं आपको इसके ऑफिशियल अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ कि कब तक ये भर्ती जारी की जाएगी और इसका पूरा प्रोसेस किस प्रकार का रहेगा। तो चलिए जान लीजिए इस वीडियो में ये सभी जानकारी। दोस्तों आगे की जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए आगे भी इसी प्रकार के जॉब अपडेट लेकर के आता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। नेम ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में के अंदर APSC बोलते हैं। पोस्ट नेम विलेज रिसोर्स ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर VRO एंड विलेज रिसोर्स असिस्टेंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में VRA बोलते हैं। टोटल वैकेंसीज इसके अंदर 3914 होने वाली है, जो कि जल्द ही जारी की जाएगी। ओपनिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म मई-जून 2019, जो कि टेंटेटिव है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस भर्ती को रिलीज होने में क्यों वक्त लग रहा है। दोस्तों वक्त लगने की वजह यह है कि अभी इलेक्शन चल रहे हैं और जितनी भी इंडिया की गवर्नमेंट है वो आचार संहिता के चलते अपना काम नहीं कर पा रही है। तो जैसे ही 23 मई को जो हमारे न्यू प्रधानमंत्री है उनके बारे में अनाउंसमेंट होता है, उसके बाद सभी सरकारें अपने काम पर लग जाएगी और जिनमें कि जो भी काम रुके पड़े हुए हैं वो सब काम जारी कर दिए जाएंगे। तो मुझे जो उम्मीद है भर्ती रिलीज होने की, वो 23 मई के बाद में है, यानी कि मई के लास्ट वीक में आपको इस भर्ती के बारे में अनाउंसमेंट या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन रहेगा। कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब्स, दोस्तों ये भर्ती आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न टेस्ट या इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जॉब लोकेशन आंध्र प्रदेश, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग आंध्र प्रदेश के अंदर होगी। ऑफिशियल वेबसाइट CCLA.AP.GOV.IN, इसी वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई कर पाओगे। अब दोस्तों मैं आपको इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो वैकेंसी होने वाली है उनके बारे में बताता हूँ। विलेज रेवेन्यू ऑफिसर VRO के लिए 958 पद निकाले जाएंगे और विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट के लिए 2956 पद निकाले जाएंगे, जो कि कुल मिलाकर के होंगे 3914 पद। अब मैं दोस्तों आपको इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास 10वीं या 12वीं पास की योग्यता होनी जरूरी है। जिन लोगों के पास 10वीं या 12वीं पास की योग्यता होगी वो लोग इस पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट, यानी कि आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल, यानी कि जिन आवेदकों की उम्र 18 से 40 साल के बीच में होगी वो लोग इन पोस्ट पर अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए तो आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जो लोग ये दोनों राउंड क्वालिफाई कर जाएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और दोस्तों सैलरी के बारे में मैं अभी आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि सैलरी में कोई घटाव बढ़ाव हो सकता है। इसी वजह से ये जानकारी मैं आपको जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसी प्रकार दे दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक है, यानी कि कहाँ से आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो, इसके लिए मैं आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देने वाला हूँ। आपको उस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रेफर हो जाओगे, जहाँ पर इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट किए जाते हैं। तो आपको रेगुलरली उस लिंक पर क्लिक करते रहना है और जानते रहना कि यह भर्ती कब रिलीज होगी, और जैसे ही होगी तो वहाँ पर वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया जाएगा और वहाँ से आप जैसे ही वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक अपडेट होगा उसको चेक कर पाओगे और उसके अनुसार आप अपनी सारी जानकारी देख पाओगे, जो कि वहाँ पर ऑफिशियल जानकारी होगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने आपको सिर्फ इसके अपकमिंग जॉब के बारे में अपडेट दिया है, इसलिए मैं आपको कोई जानकारी ये करके नहीं बता रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट होने वाली है। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो मैं भी आपके लिए एक अन्य
वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें कि मैं आपको और अच्छे तरीके से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जितनी भी जानकारी इस भर्ती से जुड़ी हुई है या जो सवाल आपने इस भर्ती से जुड़े हुए मुझसे पूछे वो सभी जानकारी मैं आपको उस वीडियो के अंदर भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।